Hello, students. We are going to start our term 2 portion of EVS. So, let's start class 3 EVS term 2. Unit 1 Living World. Chapter 1 The World of Birds. In this chapter, we are going to study about these points. वाई डू यू थिंक बर्ड्स कैन फ्लाई एंड वी कांट हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि बर्ड्स उड़ सकती हैं, फ्लाई कर सकती हैं और हम नहीं Why do birds build nest? birds अपना नेस्ट क्यों बनाती हैं What kind of food do birds eat? birds किस तरह का फूड खाती हैं How do birds feed their young ones? birds जो है अपने बच्चों को कैसे फीडिंग कराती हैं डू ऑल बर्ड्स क्या सारे बर्ड्स के जो बीक होते हैं वो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, कि नहीं तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करेंगे बच्चों, दिस चैप्टर इज वेरी लेंथी ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो आप लोगों को अच्छे से ये वीडियो देखना है ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आए लेट्स स्टार्ट

फ्लाई करने के लिए उड़ने में हेल्प करती है अपार्ट फ्रॉम विंग्स दैट दे है बॉडी में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं बहुत सारी uh, मतलब उसका बॉडी के पार्ट्स हैं जो उसको फ्लाई करने में मदद करते हैं उड़ने में मदद करते हैं इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं लेट इस नाउ लर्न अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ अ बर्ड्स बॉडी दैट हेल्प इट टू फ्लाई फर्स्ट बर्ड्स हैव अ लाइट बॉडी विथ होलो एंड थिन बोन्स बर्ड्स की बॉडी बच्चों आपने बर्ड्स को देखा है कई डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आप लोग देखे होंगे अपने आस पास अपने एटमोसफेयर में तो आपने देखा होगा बर्ड्स जो है बहुत ही लाइट वेट होती है बहुत ही हल्की होती है और होलो बो हॉलो एंड थिन बोन्स होलो मतलब खोखला मतलब उनकी जो हड्डियां होती है वो बहुत ही थिन होती है पतली होती है और साथ में उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है खाली होती है वो द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज बोट शेप्ड बर्ड की बॉडी किस तरह की होती है बोट शेप्ड की होती है आपने बोट देखा है नाव उस शेप की उसकी बॉडी होती है विथ अ पॉइंटेड बीक एंड अ टेल टू कट थ्रू द एयर उसकी बीक उसका मुंह का शेप जो है माउथ का शेप बी चोच जो होती है वो बिल्कुल पॉइंटेड होती है और उसकी पूछ जो होती है वो ऐसी होती है कि जो उसे हवा में हवा की जो एयर होती है बेटा है ना उसका जो प्रेशर होता है उसको काटने में हेल्प करती है द फोर लिम्स फोर लिम्स मतलब आगे के जो लिम्स होते हैं हम लिम्स कित किसको बोलते हैं हमारे हैंड्स और फिट को हम लिम्स बोलते हैं फोर लिम्स मतलब आगे के लिम्स और हाइंड लिम्स मतलब पीछे के सो फोर द फोर लिम्स लिम्स ऑन द फ्रंट साइड आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स बर्ड्स के जो हाथ हैं वो किस में मॉडिफाइड हो गए हैं विंग्स में जो फोर लिम्स होते हैं हमारे आगे के जो हाथ होते हैं वो किस में मॉडिफाइड हो चुके हैं विंग्स में द विंग्स आर अटैच टू द स्ट्रोंग चेस्ट मसल्स विच हेल्प द बर्ड टू फ्लैंग अप एंड डाउन जो विंग्स है वो उसकी चेस्ट से स्ट्रोंग चेस्ट मसल से अटैच होती हैं जिससे कि उसको फ्लैप करने में मतलब उड़ते समय जो पंख ऊपर नीचे होते हैं उसे करने में बहुत ही मदद मिलती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाई फ्लाइंग द होल बॉडी ऑफ अ बर्ड इज कवर्ड विथ फेदर्स बर्ड की जो होल बॉडी मतलब पूरी बॉडी है वो किससे कवर्ड होती है फेदर्स से द टेल ऑफ द बर्ड ऑल्सो हैज फेदर्स बर्ड की जो टेल है उसमें भी फेदर्स होते हैं फेदर्स में स्पंक। बोट एंड चेंज डायरेक्शन जो बर्ड की टेल है इट एक्ट्स लाइक अ रडार वो किसके जैसे एक्ट करती है रडार के जैसे जिससे कि बर्ड्स को डायरेक्शन खोजने में हेल्प मिलती है यहां पर एक नोट दिया हुआ है बच्चों। रडार हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बोट और शिप वाइल सेलिंग यहां पर बर्ड्स की टेल को हमने रडार से क्यों कंपेयर किया है क्योंकि ये भी डायरेक्शन खोजने में उसकी हेल्प करती है डायरेक्शन बताने में हेल्प करती है वैसे ही रडार जो होता है एक सिग्नल की तरह काम करता है जो कि बोट और शिप को सेलिंग के समय डायरेक्शन अपने चेंज करने में हेल्प करता है डायरेक्शन पता लगाने में हेल्प करता है यहाँ पर बर्ड्स की एक बर्ड की पिक्चर भी दी हुई है बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड यहाँ पर हम लोग देखते हैं Beak, crest, eye, wings, जो कि स्ट्रॉन्ग चेस्ट मटल्स मसल से बिल्कुल अटैच है जिससे कि उसे फ्लैप करने में बहुत हेल्प होती है ये बर्ड्स की विंग्स हैं। देन टेल टेल में भी उसके क्या है फेदर्स हैं। और टेल जो है उसको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है तो ये एक बर्ड के पूरे बॉडी पार्ट्स हैं। नाउ वी नो दैट वॉट मेक्स इट्स सो इजी फॉर बर्ड्स टू फ्लाई बच्चों अब हमने ये सारा कुछ पढ़ा उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में तो हमने देखा कि उसके सारे बॉडी जो बर्ड का बॉडी स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से उसको हेल्प करता है फ्लाई करने के लिए हाउ वी विश वी कुड फ्लाई हम भी ऐसे मतलब बच्चों विश करते हैं हम भी उड़ना चाहते हैं बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस बिकॉज वी आवर बॉडी स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ बर्ड टाइप्स ऑफ फेदर अब डिफरेंट बर्ड्स हैं तो उनके फेदर्स भी क्या होते हैं बहुत अलग अलग होते हैं फेदर्स आर इंसेंशियल पार्ट्स ऑफ द बर्ड्स बॉडी फेदर जो है वो बहुत ही जरूरी पार्ट है बर्ड्स की बॉडी के लिए बर्ड्स हैव द फॉलोइंग

शो हो रहा है कि उड़ने में फ्लाई करने में बर्ड्स की हेल्प करता है दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द हार्डेस्ट ऑफ ऑल द फेदर्स बर्ड्स की बॉडी में जितने भी फेदर्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट और हार्डेस्ट कौन सा होता है फ्लाइट फेदर्स होते हैं द टेल एंड एंड्स है टेल और विंग्स में कौन से फेदर्स होते हैं फ्लाइट फेदर्स होते हैं जो कि ये पिक्चर में दिया हुआ है देखो सेकेंड बॉडी फेदर्स बॉडी फेदर्स यहाँ पर बॉडी फेदर का देखो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है द बॉडी फेदर्स गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी एंड कवर इट बॉडी फेदर जो है वो बर्ड की पूरी बॉडी को कवर करता है और उसको एक शेप देता है आप देखे होंगे बर्ड्स को कि उसकी पूरी बॉडी में फेदर्स होते हैं नंबर सी डाउन फेदर्स डाउन फेदर्स कौन से हैं ये देखो ये पिक्चर में बना हुआ है डाउन फेदर का एक एग्जाम्पल The down feathers keeps keep the bird's body warm. They are soft, delicate, hair-like and fluffy. Fluffy. जो down feathers हैं वो bird की body को warm रखने में help करते हैं Warm means गर्म क्योंकि birds लोगों के पास तो कोई clothes तो होते नहीं है तो ये कैसे होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट डेलिकेट हेयर लाइक एंड फ्लफी होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं साथ में हेयर लाइक -like और फ्लफी होते हैं ये जो फेदर होते हैं डाउन फेदर्स और ये कहाँ पर होते हैं पूरे उसके बॉडी पार्ट्स बॉडी में होते हैं बर्ड्स की जो कि उसको वार्म कर वार्म रखने में हेल्प करते हैं तो ये हमने पढ़ा फेदर्स नाउ प्रोसेस ऑफ फ्लाइंग कैसे बर्ड्स फ्लाई करती है उसकी क्या प्रोसेस है When the birds has to fly, it flaps its wings very fast and द बर्ड्स है इयर अंडर दिंग्स लिफ्ट इट अप एंड फॉरवर्ड जब भी बर्ड्स को fly करना होता है वो फ्लाई, फ्लाई, वो अपने विंग्स को क्या करती है फ्लैप करना स्टार्ट कर देती है मतलब आपस में ऐसे ऐसे आपने देखा होगा उसके जो विंग्स है ऊपर नीचे फ्लैपिंग करने लगते हैं ठीक है और वो भी वेरी फास्ट एंड थर्स under द विंग्स जो एयर आती है उसके विंग्स के अंडर में जब ये फ्लैपिंग करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर जो एयर होती है वो उसको क्या करती है ऊपर जाने में हेल्प करने लगती है है ना अपवर्ड एंड फॉरवर्ड वंस इट गेन्स हाइट जब बर्ड्स क्या हाइट में बहुत ऊपर में फ्लाई करने लगती है इट डज नॉट फ्लैप द विंग्स आपने देखा होगा बर्ड क्या हो जाती है बिल्कुल शांत हो जाती है जब वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है बहुत हाइट गेन कर लेती है फ्लाई करते समय तब तो उस वो क्या करती है अपने विंग्स को फ्लैप करना बंद कर देती है और उसके बाद क्या हो जाती है बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है वहां पर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अ बर्ड फ्लाइट इज कॉल्ड अपस्ट्रोक जब बर्ड ऊपर की तरफ फ्लाई करते हुए हाइट को मतलब हाइट में जाने लगती है उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों अपस्ट्रोक बोलते हैं ठीक है द यहाँ पर लिखा हुआ देखिए द अपवर्ड मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अ बर्ड्स फ्लाइट इज कॉल्ड द अप स्ट्रोक यहाँ पर देखो एक अप स्ट्रोक की पिक्चर भी बनी हुई है किस तरह से बर्ड अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए ऊपर हाइट पर जा रही है वेन द बर्ड हैज टू लैंड इट स्प्रेड्स इट्स विंग्स एंड मूव्स डाउनवर्ड जब बर्ड बर्ड को अब नीचे आना होता है है हा ना हाइट से अब नीचे की तरफ उसको आना होता है तब वो अपने विंग्स को क्या करती है फैला लेती है और उसे डाउनवर्ड फ्लैप करने लगती है द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ बर्ड्स फ्लाइट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक और जब वापस आने की जो प्रोसेस है उसकी वापस लैंड करने की बर्ड की उसको हम लोग क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रोक बोलते हैं इस पिक्चर में हमको दिख रहा है अपस्ट्रोक डाउन स्ट्रोक और लैंडिंग लैंडिंग सरफेस पर वापस आना। ओके। ऑन देयर एबिलिटी अब सारे बर्ड्स डिफरेंट होते हैं बिल्कुल उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है तो उनकी एबिलिटी ऑफ फ्लाई भी बिल्कुल अलग अलग होती है जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बर्ड्स दैट फ्लाई एट लो हाइट ऐसे बर्ड्स जो लो हाइट पर फ्लाई करते हैं मतलब जमीन से जो सरफेस है उससे ज्यादा ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं बर्ड्स लाइक एंड पैरट्स फ्लाई एट अ लो हाइट स्पैरो आप जानते ही होंगे चिड़िया जो आपको हर जगह देखने को मिल जाती है वेकेंसी एवरीवेयर मॉर्निंग में जब उठते हैं तो हम लोग अपने टेरिस वगैरह पर जाते हैं तो स्पैरो हमको दिखाई देती है ट्रीज में भी हमको स्पैरो दिखाई देती है तो स्पैरो और पैरट्स well ये दोनों ही ज्यादा नहीं, नहीं पहुंच पाते हैं अब कुछ बर्ड्स जो होती है वो बहुत ही हाइट तक जाती है ऊपर आपको स्काई में दिखाई दिखाई देंगी जिसमें से कौन कौन है देखे बर्ड्स ऑफ प्रे बर्ड्स ऑफ प्रे मीन जो कि हंटर uh, बर्ड्स होती हैं जिनको हम बोल सकते हैं जो शिकार करती हैं हंटिंग करती हैं तो वो बहुत ही ऊपर हाइट तक जाती हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है देखो बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल्स एंड वर्चर्स कैन फ्लाई टू अ ग्रेट हाइट ये बहुत ही ऊपर हाइट में स्काई में आप लोग को दिखाई देंगी जब आप सर ऊपर करके देखोगे कभी कभी तो आपको ईगल्स दिखाई देते हैं मोस्टली दे आर दे फाउंड इन द जंगल्स ईगल्स एंड वर्चर्स बोथ फ्लाइटलेस बर्ड्स फ्लाइटलेस बर्ड्स मीन्स ऐसे बर्ड्स जो कि फ्लाई नहीं कर सकते हैं दे आर uh, मतलब उनको हम बर्ड्स तो बोलते हैं दे आर काउंटिंग इन द बर्ड्स बट दे आर फ्लाइटलेस मीन्स वो लोग उड़ नहीं सकती हैं पेंगविन्स किवीज इमूस एंड ऑस्ट्रिचेस आर सॉलिड एंड हैवी बर्ड्स ये जो बर्ड्स हैं ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं बच्चों हैवी होती है इनकी बॉडी क्या होती है हैवी होती है बहुत बड़े बड़े होते हैं इन लोगों का और हैवी बॉडी के होते हैं दे कैन रन फास्ट बट कैन नॉट फ्लाई ये लोग दौड़ तो बहुत फास्ट uh, मतलब बहुत फास्ट रनिंग करते हैं बट दे कैन नॉट फ्लाई ओके तो थ्री टाइप्स के बर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े बर्ड्स दैट फ्लाई एट लो हाइट बर्ड्स दैट फ्लाई हाई इन द स्काई और फ्लाइटलेस बर्ड यहां पर एक नोट दिया हुआ है देखो Vultures, eagles and kites are called birds of prey or predatory birds because they kill and eat other birds or small animals. मैंने आपको बताया था ना, they are called the hunter birds means ये शिकार करते हैं, तो इनको हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं बेटा? Birds of prey और या तो predatory birds means they are doing hunting. क्या करते हैं ये लोग द किल एंड ईट अदर बर्ड्स वो दूसरे बर्ड्स या स्मॉल एनिमल्स को मारकर खाते हैं बर्ड्स यहाँ पर एक जानकारी दी हुई है नो मोर बर्ड्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू अवॉइड बैड वेदर ऑफ अ प्लेस ड्यूरिंग सच टाइम्स दे गो टू द्लेसेस वेयर सुटेबल वेदर कंडीशन एग्जिस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस को भी ट्रैवल कर सकते हैं टू अवॉइड द बैड वेदर ऑफ अ प्लेस अगर किसी प्लेस का किसी जगह का वेदर जो है वो बहुत ही बैड है अच्छा नहीं है बर्ड्स के लिए तो वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं एक सूटेबल वेदर कंडीशन जहाँ पर होती है उनके लिए वहाँ उस जगह पर वो पहुंच जाते हैं आफ्टर दे द रिटर्न ऑफ द वॉर्म वेदर दे गो बैक टू देयर होम्स और जैसे ही उस जहां पर बैड वेदर था उस प्लेस की सिचुएशंस बदल कंडीशन चेंज हो जाती है वहां पर वार्म वेदर आ जाता है अच्छा वेदर हो जाता है तो वो अपने घर वापस चले जाती हैं वहीं पर सच अ लॉन्ग जर्नी इज टेकन अप बाय द साइबेरियन क्रेन ऐसी ये जो लॉन्ग जर्नी है ये सबसे ज्यादा कौन से बर्ड कौन सी बर्ड करती है ऐसी जर्नी लॉन्ग डिस्टेंसेस कौन ट्रैवल करता है साइबेरियन क्रेन ठीक है ये एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन और बर्ड की ये प्रोसेस जो अपने होम से दूसरी जगह पर अच्छे वेदर जहां पर है सुटेबल वेदर कंडीशन है वहां पर जाना उसके बाद अपने प्लेस की कंडीशंस ठीक होने पर वापस आना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं माइग्रेशन बोलते हैं ओके okay? और ऐसे बर्ड्स जो ये प्रोसेस करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है साइबेरियन क्रेन फ्टर दैट वन एक्टिविटी बच्चो वी है इसमें द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज बर्ड की बॉडी कैसी होती है कोन शेप्ड बोट शेप एंड ओवल शेप्ड हम लोगों ने अभी पढ़ा कैसी होती है बोट शेप फेदर्स दैट कीप दर्ड्स बॉडी वार्म की बॉडी को वॉर्म रखने वाले फेदर्स को क्या बोलते हैं फ्लाइट फेदर्स ये तो उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं हैं उसकी को देते डाउन फेदर्स करने में हेल्प करते हैं डाउन दैट रन फास्ट बट कैन नॉट फ्लाई ऐसा एक बर्ड जो बहुत ही तेज रनिंग कर सकता है फास्ट रनिंग कर सकता है बट कैन नॉट फ्लाई वी जस्ट रेड अबाउट दैट बिकॉज दे आर देअर बॉडी इज हैवी बट दे कैन नॉट फ्लाई ए बर्ड दैट कैन फ्लाई टू अ ग्रेट हाइट हम लोगों ने अभी पढ़ा जो बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं जो हंड्रेड बर्ड्स होते हैं जो दूसरे छोटे एनिमल्स को आ, मार के अपना फूड आ, मतलब उनको खाते हैं ऐसे बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं बर्ड्स ऑफ प्रे बोलते हैं और ये जो बर्ड्स होती हैं, है बहुत हाइट तक इन लोग फ्लाई कर सकते हैं तो इनमें से कौन है ऐसे पैरेट ईगल और कुकू कोयल कु 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 ये दोनों तो लो हाइट में ही रहती हैं कौन है इसमें ईगल ईगल इज द करेक्ट आंसर ओके सो यू हैव टू डू ऑल्सो इट इन योर बुक कंप्लीट दिस एक्टिविटी डू द बर्ड्स हैव टीथ हमने बर्ड्स के फेदर्स पढ़ लिए उसके बीक पढ़ ली अब हम लोग पढ़ेंगे उसके क्लॉज फीट एंड क्लॉज जो बर्ड्स की फीट और क्लॉज है वो कैसे होते हैं क्लॉज मीनस उसके पंजे ओके द फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स आर सूटेड टू देयर फीडिंग हैबिट्स एंड वेज ऑफ लाइफ जैसे कि डिफरेंट बर्ड्स होते हैं उनकी फीडिंग हैबिट्स अलग होती है उसी तरह से उनके फीट और क्लॉज भी डिफरेंट होते हैं डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट हैबिट्स एंड सो फीट एंड क्लॉज ऑल्सो डिफर इन शेप्स एंड साइजेस सो द फर्स्ट टाइप ऑफ फीट एंड क्लॉज ऑफ अ बर्ड आर क्लॉज ऑफ प्रेइंग बर्ड प्रेइंग मीन्स जो कि शिकारी बर्ड होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था ना हंटिंग बर्ड्स तो उनके क्लॉज कैसे होते हैं प्रेइंग बर्ड्स कैच एंड होल्ड देयर प्रे एंड कैरी इट अवे प्रेइंग बर्ड्स जो होते हैं वो अपने प्रे को मीन्स शिकार को पकड़ के बहुत दूर तक ले जाना होता है उनको है ना ताकि वो उनका शिकार कर सके सो दे नीड स्ट्रोंग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज द शार्प क्लॉज ऑफ प्रेइंग बर्ड्स आर कॉल्ड टैलेंट्स प्रेइंग बर्ड्स के जो शार्प और

झुंड में रहते हैं बहुत सारे एक साथ में रहते हैं परचिंग बर्ड्स लाइक स्पैरोट दैक सी इट हैजन पिक्चर ऑफ क्लॉज ऑफ स्पैरो मैना थ्री इनके टोज जो है वो आगे की तरफ है फॉरवर्ड में है और एक टो इनकी बैकवर्ड में है ठीक है अच्छे से होल्ड करने में और अपनी पकड़ बनाए रखने में आपने देखा होगा ये जो बर्ड्स हैं ये ज्यादातर ट्रीज में आपको दिखाई देती हैं नाउ क्लॉज ऑफ climbing birds. Claws of climbing birds means ऐसे birds जो कि climb करते हैं ऊपर की तरफ चढ़ते हैं ना उछलते हैं क्लाइंबिंग बर्ड्स आर द बर्ड्स विच क्लाइंब अप द ट्रीज एंड होल्ड फ्रूट्स टू ईट ऐसे बर्ड्स क्या करते हैं पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसमें से अपने फ्रूट्स को तोड़कर खाते हैं एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबिंग बर्ड्स आर पैरट्स एंड वुड पिकर्स

क्लॉज uh, होते हैं जो बर्ड्स होती हैं वो खुरचती हैं स्क्रैच करती हैं उसको हम लोग स्क्रैचिंग बर्ड्स बोलते हैं स्क्रैचिंग बर्ड्स लाइक हैंड्स एंड पार्ट्रीजे यूज क्लॉज टू स्क्रैच द ग्राउंड एंड फाउंड आउट सीड्स एंड इंसेक्ट्स टू ईट ये क्या करते हैं लैंड जो सरफेस होता है है ना हैंड्स और पार्टीजेस जो हैं वो क्या करते हैं स्क्रेच करते हैं उसको और उसमें से खोज खोज के जो सीड्स हैं इंसेक्ट्स हैं उनको निकाल कर फीट करते हैं दे वॉक एंड रन ऑन द ग्राउंड एंड सो देयर क्लॉज आर मोडिफाइड इन अ वे दैट देयर आर थ्री लॉन्ग टोज इन फ्रंट थ्री लॉन्ग टोज इनके फ्रंट पर होते हैं एंड वन शॉर्ट टो एट द बैक और शॉर्ट पे एक छोटा टो होता है दैट इज स्लाइटली अप ऑन द लेग ईच टो हैज अ शार्प हॉर्नी एंड क्लॉ बहुत ही शार्प हॉर्नी होते हैं ताकि ये क्या कर सके स्क्रैच कर सके ग्राउंड को ओके okay? उ क्लास ऑफ वेडिंग बर्ड्स वेडिंग बर्ड्स मीन्स जो कि पानी पर चलती हैं न पानी के अंदर चल सकती हैं वेडिंग बर्ड्स डू नॉट स्विम ये स्विम नहीं कर सकती तैर नहीं सकती बट वॉक इन द शैलो वॉटर पर डीप जो हल्का पानी होता है जो ज्यादा गहरा नहीं होता है उस पानी पर वो तैर सकते हैं वहां पर वो तैर सकते हैं सॉरी तैर नहीं सकते चल सकते हैं है ना दे केन नॉट स्विम बट दे केन वॉक ईजिली इन शेलो वाटर

ठीक है तो ये है वेडिंग बर्ड्स के क्लॉज क्लॉज ऑफ स्विमिंग बर्ड्स अब ऐसे बर्ड्स जो कि स्विम कर सकते हैं वाटर पे उनके क्लॉज कैसे होते हैं स्विमिंग बर्ड्स लाइक डक्स गीज एंड पैलिकन्स हैव थ्री टोज इन फ्रंट एंड वन एट द बैक लाइक दैट ऑफ अ हैंड बट दे हैव स्पेशल वेब्स ऑफ स्किन बिटवीन द टोज सच फीट आर कॉल्ड वेब्ड फीट तो ऐसे बर्ड्स के फीट कैसे होते हैं बिल्कुल वेब्ड फीट होते हैं जाल की तरह होते हैं देखो वेब्ड फीट ऑफ अ डक थ्री टोज हैं अपवर्ड्स और बट स्पेशल फीचर्स है इनका पूरा वेब की तरह है वेब्ड फीट ऑफ अ गूज एंड वेब्ड फीट ऑफ अ पेलिकन जिससे कि क्या होता है इनको स्विम करने में ये हेल्प करते हैं द वेब्ड फीट हेल्प्स द बर्ड्स इन स्विमिंग बाई पुशिंग द वॉटर अवे हैचिंग लाइक द पेडल्स ऑफ अ बोट सच बर्ड्स आर फास्ट स्विमर्स बट दे वॉक इन अ स्लो एंड क्लमजी वे ऑफ ऑन द लैंड बट इनको लैंड में चलने में बहुत ही क्या होती है दिक्कत होती है बहुत ही स्लो हो जाते हैं लैंड में बट इन दॉटर दिस कैन स्विम वेरी नाइसली ओके वन एक्टिविटी हैज गिवेन हेयर ऑलरेडी वी हैव रेड अबाउट विच टॉपिक्स द एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन दैटिक टॉपिक्स ओनली राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A hoopoe has a long, slender, and curved beak. It is true. Hoopoe ki beak kaisi hoti hai? Bilkul long, slender, and curved hoti hai. Perching birds catch and hold their prey and carry it away. Perching birds मैंने बताया था बच्चों जो झुंड में रहते हैं वो लोग प्रे बर्ड्स ऑफ प्रे नहीं होते हैं है ना तो ये क्या हो जाता है ये statement false है Flamingos and herons are the scratching birds. This is also wrong because

ट चीजेल क्रश और च्यू फूड और टू प्रोटेक्ट देमसेल्व बर्ड्स के तीत नहीं होते क्या होते हैं बीक्स उनकी चोच होती है बीक्स जिसको बोलते हैं हम लोग है न टू टीयर और बाइट कट चीजेल क्रश और च्यू फूड और बीक्स हेल्प द बर्ड टू कैरी फूड एंड ऑल्सो ट्रिक्स फॉर नेस्ट बीक्स उनकी हेल्प करती है कैरी करने के लिए फूड मतलब अपनी चोच में फूड दबाकर वो ले जाते हैं और ट्विक्स फॉर नेस्ट और अपना घोसला बनाने में भी जो तिनके टहनिया उनको लगती है तो वो अपने बीक्स की हेल्प से ही लेकर आते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड है शेप ऑफ द बीक्स वेरी मीन्स जैसे फूड uh, हैबिट्स होती हैं हमारी जैसे हम एज ए ह्यूमन हमारी फूड हैबिट्स अलग अलग हैं एनिमल्स की फूड हैबिट्स आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में उनकी फूड हैबिट्स भी बिल्कुल अलग होती हैं जिसलिए उनके तीथ uh, जो थे वो बिल्कुल अलग अलग शेप के होते हैं वैसे ही जैसे बर्ड के भी बीक्स का जो बीक्स uh, का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीक्स कितने टाइप्स के बीक होते हैं देखिए बहुत सारे टाइप्स के बीक होते हैं ध्यान से बच्चों इसको पढ़ेंगे हम लोग शॉर्ट हार्ड एंड थॉर्क हार्ड एंड हॉर्नी बीक मतलब जो बीक है वो छोटी होती है बहुत ही हार्ड होती है और हॉर्नी होती है बिल्कुल मतलब एज अ आप जैसे देखते हैं सिंग की तरह होती है स्पैरो पिकॉक्स एंड फिंच हैव शॉर्ट हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स यहाँ पर देखो स्पैरो दी हुई है शॉर्ट बीक है इसकी पिजन है उसकी बहुत ही बीक जो है वो बहुत ही क्या होती है हार्ड होती है और पिकॉक जिसकी बीक कैसी है बिल्कुल हॉर्नी बीक है देखो आगे की तरह एकदम झुकी हुई जिससे कि वो शिकार कर सके हंटिंग कर सके अच्छा से दीज आर यूज टू क्रैक सीड्स ग्रेन एंड नट्स ये किस में हेल्प करती है इनको क्रैक करने के लिए सीड जैसे बीज हैं ग्रेन्स अनाज नट्स जो हम लोग नट्स खाते हैं वो ये सारे को इसको क्रैक करने में ये बीक इनकी हेल्प करती है एंड ऑल्सो टू शू अवे अदर बर्ड्स शू अवे मीन्स दूसरे जो बर्ड्स हैं उनको भगाने में भी ये बहुत ही हेल्प करती है नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बी ये जो बर्ड्स हैं इनकी बीक कैसी होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है शार्प होती है और हुक्ड होती है मतलब आपस में एक दूसरे को हुक की तरह हुक रहती है पकड़े हुए रहती है बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक काइट्स ईगल्स वल्चर्स एटसेट्रा हैव स्ट्रांग शार्प हुक्ड बीक्स बर्ड्स ऑफ प्रे ऑलरेडी वी हैव रेड अबाउट दिस बर्ड्स ऑफ प्रे हम किसको बोलते हैं जो हंटिंग बर्ड्स होती है जो शिकार करती हैं बहुत हाइट तक उठ सकती हैं जैसे कि काइट ईगल वल्चर्स इनकी बीक कैसी होती है बहुत स्ट्रांग होती है शार्प होती है और हुक्ड बीक होती है दीज बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू टीयर द फ्लैश फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स छोटे एनिमल्स जैसे होते हैं रैट्स और स्नेक्स इनके फ्लैश को इनके मांस को काटने में टीयर करने में ये इनकी हेल्प करती है इस बर्ड्स की देखो यहां पर दिया हुआ ईगल जिसकी बीक कैसी है बिल्कुल स्ट्रांग है काइट शार्प बीक है इसकी देखिए और वल्चर बीक इसकी बीक कैसी है? बिल्कुल है आपस में देखो इससे क्या उनको हेल्प मिलती है स्ट्रॉन्ग एंड हुट हैज अट्रोंग एंड हुक्ड बीक विच हेल्प्स इट टू क्रैक ओपन एंड ओपन द हार्ड नीड्स पैरट जो होता है उसकी बीक कैसी होती है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड होती है जिससे कि उसको नट्स को खोलने में मतलब उसका आउटर कवर को हटाकर उसके अंदर के नट्स को खाने में उसको क्या होती है हेल्प होती है। स्ट्रांग हैवी एंड चीजल सेप्ड बीक। अ वुड पिकर यहाँ पर देखो वुड पिकर बना हुआ है उसका पिक्चर हैज अ अट्रांग हैवी एंड चीजल शेप्ड बीक स्ट्रॉन्ग हैवी और चीजल सेव्ड वीक बीक है इसकी दिस टाइप ऑफ बीक हेल्प्स इट टू मेक अ होल एंड ट्रैप द इंसेक्ट्स इन द वुड ये जो बीक है इसकी क्या किसमें हेल्प करती है जो वुड पीकर हम लोग ऑलरेडी पता है कि वुड पर जो अटैक करती है मतलब लकड़ियों से चुन चुन के जो अपने छोटे एनिमल्स होते हैं है ना इंसेक्ट्स होते हैं उनको क्या ये इसकी बीक खाने में हेल्प करती है है ना इंसेक्ट इन द वुड होल कर सकता है ये जो लकड़ियों पे जो है वुड पर होल करके उसमें से छोटे चुट छोटे इंसेक्ट्स को बाहर निकाल के खाने में इसकी हेल्प करती है इसकी बीक सॉफ्ट शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक हैव है यहाँ देखो स्वेलो की एक पिक्चर बनी हुई है ये बर्ड का नाम क्या है स्वेलो स्वेलो swallow है इसकी बीक कैसी होती है बिल्कुल सॉफ्ट शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स होती है सॉफ्ट है शॉर्ट है और कैसी है ब्रॉड है दे कीप देयर माउथ ओपन वाइल्ड फ्लाइंग ये अपने माउथ को खोले हुए रखती है जब ये उड़ती है तो अपने मुंह को खोल कर रखती है एज द माउथ इज स्टिकी इन साइड इसका माउथ के अंदर का कैसा होता है बिल्कुल स्टिकी होता है चिपचिपा होता है मेनी इंसेक्ट्स गेट ट्रैप्ड इन साइड द माउथ तो इंसेक्ट्स जो होते हैं छोटे छोटे एयर पे वो क्या होते हैं इसके माउथ के अंदर में ट्रैप हो जाते हैं ओके नाउ लॉन्ग सिलेंडर एंड कर्व्ड बीक लॉन्ग सिलेंडर एंड कर्व्ड बीक किसकी होती है अ अप्पू हुप्पू हैज अ लॉन्ग सिलेंडर एंड कर्व्ड बीक दिस टाइप ऑफ बीक इज यूजफुल टू पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड और फ्रॉम द ट्री ट्रंक्स यहाँ पर हप्पू की एक पिक्चर बनी हुई है देखो इसकी बीक कैसी है बिल्कुल लॉन्ग सिलेंडर एंड कर्व्ड है ठीक है ये इसको किसमें हेल्प करती है जो ग्राउंड ground, ग्राउंड में जो होल होते हैं उसके अंदर अपनी बीक को पुट करके है ना डिग करके उसमें से इंसेक्ट्स को निकालने में हेल्प करती है Now, broad and flat beak. Broad and flat beaks fitted with strainers on each side are found in ducks. Broad or flat, flat beaks किस में पाई जाती है ducks में जो किस किसकी तरह काम करती है बिल्कुल strainer की तरह strainer मतलब छन्नी जो होती है ना चलनी जिसमें से हम लोग चा, चालते हैं वैसे ही बिल्कुल strainer. When the ducks push their beaks into water, लिटिल प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स गेट डिपॉजिटेड इन द बीक्स एंड मड एंड वाटर ड्रेन आउट ऑफ द होल्स इन द बीक जब डक स्विम करती है वाटर में तो वो क्या करती है अपने माउथ को खोल कर रखती है जिसमें से कि जो लिटिल प्लांट्स और इंसेक्ट्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं उसके मुंह के अंदर पे उसकी बीक के अंदर पे और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या हो जाता है ड्रेन हो जाता है मतलब छन के उसमें से स्ट्रेनर से नीचे चला जाता है उस उसकी बीक्स में जो होल रहते हैं उसमें से अंडरस्टैंड यहाँ पर देखो एक डक की पिक्चर भी बनी हुई है डक की बीक आप लोगों ने देखी है देखो उसकी बीक कैसी है बिल्कुल ब्रॉड एंड फ्लैट बीक और इट एट्स लाइक अ स्ट्रेनर ऑल्सो स्पून लाइक बीक अब स्पून लाइक बीक मीन्स स्पून आप लोग सब जानते हो द स्पून बिल इस बर्ड का नाम क्या है बच्चों स्पून बिल इसका नाम है स्पून लाइक बीक और इसकी बीक कैसी है देखो बिल्कुल स्पून के जैसे है. Used to gather selfish and water insects. ये किसमें हेल्प करती है इसकी इसमें इसके स्पून में सेल्फिश और वाटर इंसेक्ट्स जो होते हैं पानी के अंदर में उसको गैदर करने में इकट्ठे करने में इसकी हेल्प करती है इट स्विंग्स इट्स बिल और बीक फ्रॉम साइड टू साइड इन वाटर टू सर्च ऑफ फॉर फूड ये अपनी बीक को इधर उधर साइड टू साइड वाटर में स्विंग करते रहती है जिससे कि क्या होता है उस वाटर में जो भी इंसेक्ट्स हैं, वाटर इंसेक्ट्स हैं सेल्फिश हैं, वो क्या हो जाते हैं इसके बीक में एक गैदर हो जाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं ठीक है तो ये हम लोग यहाँ तक अभी पढ़ चुके हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीक्स द बर्ड्स है द लास्ट टॉपिक इज नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स नेस्टिंग means घोंसला बनाना अब बच्चों आप लोग जानते हो कि बर्ड्स का हाउस क्या हो, कौन होता है नेस्ट होता है ना घोसला जहाँ पर वो बर्ड्स रहती है बर्ड्स नीड नेस्ट टू एग्स एंड प्रोटेक्ट देम सेल्वस फ्राम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बर्ड्स को भी क्या ज़रूरत है एक घर की ज़रूरत है किस लिए टू एग्स है ना अपने अंडे रखने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही खराब वेदर में द मदर बर्ड लेट्स ऑन देम टू की एग्स वर्ड क्या करती है ले एक्स मतलब अपने अंडे रखती है एग्स रखती है और उसके बाद उस पर बैठती है जिससे कि वो एक्स जो है वो क्या रहे बिल्कुल वार्म रहे आफ्टर सम डे कुछ दिनों बाद द एग्स ब्रेक एंड हैच एंड बेबी बर्ड्स कम आउट अंडे क्या हो जाते हैं बर्ड्स के जो एग्स वो ब्रेक हो जाते हैं और उसमें से क्या निकलती है बेबी निकलते हैं द प्रोसेस अब ये जो प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एग्स टू लेट बेबी बर्ड्स कम आउट इज कॉल्ड हैचिंग इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं हैचिंग जिसमें कि बर्ड्स क्या होते हैं अपने जो बेबी बर्ड्स जो कम आउट होते हैं हैचिंग की प्रोसेस से ओके द अडल्ट बर्ड्स फीड एंड प्रोटेक्ट देयर बेबी बर्ड्स जो अडल्ट बर्ड्स होते हैं मतलब जो बड़े बर्ड्स होते हैं एडल्ट होते हैं वो क्या करते हैं अपने बेबी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं वेन द बेबी बर्ड्स ग्रो अप एंड फ्लाई अवे जब बेबी बर्ड्स बड़े हो जाते हैं और दे फ्लाई अवे द पेरेंट बर्ड्स उनके पेरेंट बर्ड्स जो होते हैं ऑल्सो लीव द नेस्ट और वो भी नेस्ट मतलब अपने घोंसले को छोड़कर उड़ जाते हैं एवरी टाइम अ बर्ड ले एक्स इट बिल्ड्स अ न्यू नेस्ट जब भी बर्ड अपने अंडे रखती है तब वो एक नया घोंसला बनाती है हर बार ओके okay? बर्ड्स यूज अ नंबर ऑफ थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट बर्ड्स जो है वो बहुत सारी चीजों का यूज करती है अपने नेस्ट बनाने के लिए जैसे कि ट्विक्स लीव्स ग्रास स्ट्रॉ, थ्रेड कॉटन एंड वूल आर सम टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज बाई बर्ड्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। मर्ड एंड पेबल्स आर ऑल्सो यूज बाई समर्ड्स कुछ बर्ड्स क्या मर्ड uh, और पेबल्स का भी यूज करते हैं हा? अब हम लोग डिफरेंट टाइप के बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं एंड बिल्ड नेस्ट विथ ट्वीक्स ग्रास लीव्स एंड फेदर्स इधर ऑन ट्रीज और इन सेफ प्लेस लाइक अवर हाउसे अबुल बिल्ड अ डीप कप लाइक नेस्ट इन हैजेस ऑफ बुशे सो दैट इट्स एग्स एंड बेबीज डू नॉट फॉल डाउन बुलबुल जो होती है बुलबुल बर्ड जो होती है वो अपना घोसला कैसे बनाती है बिल्कुल डीप कप लाइक नेस्ट बिल्कुल कप के जैसा बनाती है है ना जिससे कि उसके जो अंडे हैं जो एग्स हैं वो नीचे ना गिरे वुड पिकर्स मेक होल्स इन ट्री ट्रंक्स वुड पिकर्स अपने uh, क्या करता है कैसे अपना नेस्ट बनाता है वो होल्स बना देता है मतलब ट्री के ट्रंक्स जो कि मोटा तना होता है ट्री का उस पर क्या बनाता है वो होल बना कर रहता है देयर चीजर लाइक विद द देयर चीजर लाइक बिक्स चिप्स ऑफ वुड आर यूज टू कीप द ने वॉर्म एंड कोजी और जो चिप्स निकलते हैं मतलब जो छिलके होते हैं उसके ट्रंक के उसको क्या करता है अंदर पे रखता है पूरे जमा कर जिससे कि उसका जो घोसला है जो उसकी रहने की जगह है वो कैसी रहे बिल्कुल वार्म रहे आउस बिल्ड नेस्ट इन हॉलोज ऑफ ट्री ऑन और ऑन वॉल्स आउल देखो यहाँ पर नेस्ट ऑफ एन आउल दिया हुआ है वो कहाँ पर अपना घोसला बनाता है हॉलज ऑफ अ ट्री मतलब जो पेड़ के अंदर जो छेद होते हैं खाली जगह होती है वहां पर अपना नेस्ट घोंसला बनाता है फेदर एंड ग्रास मेक देयर नेस्ट वॉर्म उसके फेदर और जो ग्रास वो वहां पर अरेंज करता है उससे उसका नेस्ट कैसा रहता है बिल्कुल वॉम रहता है टेलर बर्ड टेलर बर्ड आप लोग जैसे नाम से ही पता चल रहा है है हाँ ना टेलर मतलब वो स्टिचिंग करती है टेलर बर्ड यूज देअर शार्प बीक्स एज नीडल्स सुई की तरह टू सी एंड ज्वाइन टू और थ्री लार्ज लीव्स टूगेदर विथ बिट्स ऑफ थ्रेड कॉटन और वूल द नेक्स्ट इज देन लाइंड विथ वूल कॉटन फाइन ग्रास सेक्टर टू कीप इट फॉर्म टेलर बर्ड जो कि नाम से ही उसके हम लोग को समझ में आ रहा है टेलर वो स्टिचिंग करती है तो स्टिच करके थ्रेड कॉटन और वूल का यूज करके वो अपना घोला घोसला जो है उसको बनाती है ठीक है अब वीवर बर्ड वीवर बर्ड भी कैसी होती है जो बुनती है अपना घोंसला वीविंग करती है अ वीवर बर्ड्स नेस्ट हैंग्स डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री ट्री से ट्री की जो ब्रांचेस होती है उस पे उसका जो नेस्ट है वो लटका हुआ रहता है हैंग करता हुआ रहता है इट हैज अ टनल लाइक ओपनिंग एट द लोअर एंड लोअर एंड पे देखो यहां पर दिया हुआ है वीवर बर्ड का देखो यहां जो यहाँ पर एक होल दिया हुआ है अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए जो कि टनल लाइक ओपनिंग टनल है द ने फाइन स्ट्रिप्स ऑफ पाम और बनाना लीव्स एंड ग्रास ये जो नेस्ट है वो किससे किससे बना हुआ होता है फाइन स्ट्रिप्स फाइन स्ट्रिप्स मतलब बिल्कुल एकदम पतले पतले जो तिनके होते हैं पाम और बनाना लीव्स के ग्रास के और ग्रास के तो उससे ये घोंसला वो तैयार करती है वीवर बर्ड अपना पार्टीज पार्टीजस मेक्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड और नियर द टॉल ग्रास सो दैट नो वन कैन देम दी होते हैं वो अपना घोसला कहार द टॉल ग्रास मतलब लंबी लंबी जहां पर घास होती है वहां पर वो बनाते हैं ग्राउंड पर मतलब जमीन पर ही अपना घोसला बनाते हैं ओके द कुकू इज अजी बर्ड कुकू कैसी होती है बहुत ही लेजी बर्ड होती है आप लोग जानते हैं तो it lays its eggs in crow's nest. तो इट इट्स इन वो अपने अंडे कहां पर रखती है अपने एक्स कहां पर ले करती है क्रोज की नेस्ट पर द द क्रो एग क्रो उनके उसके एक्स कोच uh, भी करता है दैट फीड्स द बेबी ऑल्सो उसके बच्चे को अपना फीडिंग uh, भी कराता है कुकूज थिंकिंग टू बी इट्स ओन बट कुकू क्या सोचती है कि वो उसके अपने बच्चे हैं अंडरस्टैंड सो ये चैप्टर हम लोगों ने यहां पर पढ़ा अब यहाँ पर कुछ नो मोर पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑस्ट्रीचिस मैंने बताया था आपको बच्चों की ऑस्ट्रीचिस क्या होते हैं बहुत ही हैवी वेट बर्ड होते हैं दे कैन रन फास्ट बट दे कैन नॉट फ्लाई सो हैव द लार्जेस्ट एंड द दस्ट एग्स उनके एग्स भी कैसे होते हैं बहुत ही लार्जेस्ट और हैवीएस्ट एग वे वन पॉइंट फोर टू वन पॉइंट सिक्स केजीस एंड हैच इन अबाउट सिक्स वीक द एग्स ऑफ अ हैंड हैच इन थ्री वीक्स एक Hand के एक्स को हैच होने में कितना टाइम लगता है weeks. और के दिनों में हैच हो जाते हैं ट्वेल्व डेज में ओके सो दिस चैप्टर इज फिनिशेज नाउ यहाँ पर ये यह चैप्टर खत्म होता है बच्चों आप इस वीडियो को बार बार देखिए है ना अगर आपको किसी भी पॉइंट पर Uh, कुछ मतलब आपको डाउट्स है यू कैन डायरेक्टली कॉल टू मी और मैसेज मी इन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैं आपको इसका बुक पोर्शन और क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी यू हैव टू डू इन योर प्रीवीएस कॉपी ओके देन बाय